कांग्रेस कार्यकर्ता ही अब अपने नेताओं पर रुपए देकर टिकट बांटने का आरोप लगा रहे हैं। इंदौर के रीगल चौराहे पर मंगलवार सुबह कांग्रेसी कार्यकर्ताओं द्वारा गांधी प्रतिमा पर नगर अध्यक्ष और कई नेताओं के पोस्टर बैनर पर नोट की माला चढ़ाते हुए दिखाई दिए। कांग्रेसी कार्यकर्ता यतीन वर्मा का कहना है कि वरिष्ठ नेताओं और शहर अध्यक्ष की आंखें खोलने के लिए यह प्रदर्शन किया जा रहा है। इंदौर शहर का कांग्रेस कार्यालय भ्रष्टाचार का अड्डा बना हुआ है। कुछ कांग्रेस के नेता गांधी भवन कार्यालय पर बैठकर अपनी प्राइवेट लिमिटेड कांग्रेस चला रहे, जिससे नौकरियों के नाम पर अवैध वसूली की जा रही है। जो जमीनी कार्यकर्ता है उनका हक भी मारा जा रहा है। कुछ कार्यकर्ता जो लंबे समय से अपनी सेवाएं कार्यालय में दे रहे हैं उनका वेतन भी नहीं दिया जा रहा है और उन्हें कार्यालय से निकाल दिया जा रहा है। शहर अध्यक्ष विनय बाकलीवाल पर आरोप लगाते हुए कहा कि वह नगर निगम चुनाव में टिकट पहले ही बांट चुके हैं, इसमें कुछ महिला कार्यकर्ता भी शामिल है। रुपए देकर टिकट बांटने का काम शहर कार्यालय में लगातार जारी है। यदि कोई कार्यकर्ता इस टिकट वितरण या फिर अन्य किसी मामले में सवाल जवाब करता है तो उसे डराने के लिए कारण बताओ नोटिस भी नगर अध्यक्ष द्वारा जारी कर दिया जाता है। यतीन ने अध्यक्ष वाहक से मांग की है कि भ्रष्टाचार का मुख्य अड्डा बन चुके शहर कांग्रेस कार्यालय में ऐसे नेताओं और कार्यकर्ताओं को जल्द से जल्द कार्य मुक्त किया जाए, जिनसे जमीनी कार्यकर्ताओं को कार्य करने का मौका नहीं मिल रहा है। प्रदर्शन कराए, किस चीज को लेकर प्रदर्शन किया? मेरा प्रदर्शन हमारे कांग्रेस नेताओं, वरिष्ठ कांग्रेस नेताओं की आंखें खोलने के लिए कि इंदौर शहर कांग्रेस एक भ्रष्टाचार का अड्डा बन गया है। यहाँ पर गांधी भवन पे कुछ तथाकथित लोग बैठकर वो अपनी प्राइवेट लिमिटेड कांग्रेस चला रहे हैं, जिससे नौकरियों के नाम पर अवैध वसूली, चंदा और आम कांग्रेस कार्यकर्ताओं का हक मार रहे हैं। जिस तरह से हमारे कैलाश देवपाले को कई समय पहले लॉकडाउन का बिना पैसा दिए नौकरी से निकाल दिया, ऐसे धीरे धीरे वो सभी कांग्रेस कार्यकर्ताओं पर ओरिजिनल कांग्रेस कार्यकर्ताओं को ख़त्म करने की रणनीति बनाकर आगे काम कर रहे हैं। विनय बाकलीवाल जी ने पहले ही टिकट तय कर दिए हैं। जिस तरह से वो उनकी बॉडी में कई लोग, जैसे बहुत सारे लोग इनका नाम महिला नेत्री है जिनको टिकट स्वेच्छा से बांट चुके हैं, ओरिजिनल कांग्रेस कार्यकर्ताओं को दरकिनार कर रहे हैं और पैसा लेके सीधा सीधा तौर पर टिकट बांट रहे हैं और टिकट की घोषणा करते जा रहे हैं। और उसके बाद भी अगर कोई कार्यकर्ता उस अपने मान सम्मान और अपने अधिकार के लिए विरोध करता है तो उसको कारण बताओ नोटिस डराने के लिए और निकालने के लिए पार्टी से जारी कर देते हैं। और भ्रष्टाचार का मुख्य अड्डा, जैसे भंवर शर्मा जी, कई जगह पर भंवर शर्मा जी का नाम कई जगह पर ऐसा आ चुका है जिसमें वो पैसे लेते हैं, संलिप्त हैं। कई लोग मेरे पास भी उपलब्ध हैं जिनसे मैं मीडिया के द्वारा, मीडिया के सामने ला सकता हूँ। और मेरी कांग्रेस कमेटी और प्रदेश अध्यक्ष कमलनाथ जी से मांग है कि ऐसे लोगों पर कार्रवाई की जाए और उन्हें पद मुक्त करा जाए जिससे वो कांग्रेस को कमजोर करने की काम कर रहे हैं। जमीनी कार्यकर्ता, नगर पालिका निगम जमीनी कार्यकर्ताओं का चुनाव होता है और जिसके लिए आप पहले से टिकट का बंदरबाट चालू कर दिया आपने। मैं यतीन वर्मा, मंडलम अध्यक्ष, इंदौर शहर कांग्रेस 28। ब्यूरो रिपोर्ट, वॉइस ऑफ राइट्स।